जा रहे हैं माँ का सामान लेने के लिए, क्योंकि आज से जो है माँ का रविवार का व्रत शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया है जो खीर और यहाँ पर जो है नवेद चढ़ रहा है। तो सब कुछ तो चढ़ गया है, प्रसाद कब खाया जाएगा? प्रसाद अब तो भोग लग गया, अब आप लोग खा सकते हैं। खा सकते हैं तो जिया जल्दी से प्रसाद लगाया जाए, दिया जाए। और यहाँ पर जो है पूरी चल रहा है। अच्छा, ट्रायंगल शेप में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आ गए हैं क्रियांश के लिए कुछ ड्रेस देखने के लिए। और कम से कम आज के दिन तो नीचे बैठ के खा ली। तो हम इनको बोल रहे हैं लेके चलिए, तो बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि तुम चले जाओ खुद। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आपको देख रहे होंगे अभी एकदम तैयार है। तो बात क्या है जी, पिछले कुछ ब्लॉग से जो है शेयर भी करती जा रहे हैं आपको अपना रूटीन। तो बात है जी, जिया का हो गया एक प्रमोशन शूट था, तो जिया का अपना जो है प्रमोशन का शूट हो गया है। और इस शूट के दौरान जो क्रियांश ने तबाही मचाई है, कैसी हम लोग शूट किए हम ही जानते हैं, लेकिन उनको जो है समय पर देना था वीडियो, तो इस वजह से जो है करना था ही, तो किसी तरह से जो हम लोग मैनेज करके कर लिए। अब शूट कम्प्लीट हो गया है, तो बस मैं कपड़ा चेंज करने ही जा रही थी, मुझे याद आया कि ब्लॉग शूट कर लिया जाए। बिल्कुल जी। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इधर शूट कर रहे हैं, उधर तब तक क्रियांश को मौका मिला और जो लड्डू गोपाल का एजेंसी था वो लेकर के आ गया। प्रसाद तो खा ही लिया है पहले, उसमें जल जो चढ़ाया था वो भी पी लिया। ठीक है, पी लो तो बहुत अच्छे। 3 hours later। तो आज घर में बन रहा है जी सत्तू वाला पूरी। तो यहाँ पर जो है आटा लगा हुआ है, उधर सत्तू भी है और इधर बन रहा है, और उधर जो हमारे एक लग भी चुका है, तो जल्दी जाते हैं खाते हैं। और बताइए कैसा है? हम खा लिए एक दो कोर। अच्छा है। The next day। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:30 और हम चलते हैं मार्केट, और मार्केट जा रहे हैं माँ का सामान लेने के लिए, क्योंकि आज से जो है माँ का रविवार का व्रत शुरू हो रहा है। तो सारा सामान सब लेते हैं। और भी कुछ है ना इसके अलावा? क्या कार्तिक पूर्णिमा कब है? कल है? आज ही है। आज ही है। गांव में मेला लगता है, तो हम इनको बोल रहे हैं लेके चलिए, तो बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि तुम चले जाओ खुद से, खुद से नहीं जाएगी, अभी लेकर के चलिए। हम खुद से कैसे चल जाएंगे? कैसे नहीं चल जाएगी, तो गाड़ी क्यों ड्राइव करता है, ट्रेन से चले जाना है और क्या। 2 hours later। तो सारा सामान सब्जी लेकर के आ गए मार्केट से, हम लोगों का नहाना भी हो गया, माँ भी आ चुकी है नहा धो करके, और अब बारी है पूजा की। तो चलते हैं, चल करके जो है खीर सब लाते हैं। तो यहाँ पर आ गया है जो खीर और यहाँ पर जो है नवेद चढ़ रहा है, तो जैसा कि देख सकते हैं। और खीर जो यह बना हुआ यह गुड़ का है। डालकर कभी भी पूजा नहीं करती थी, लेकिन मेरी बहन लोग मुझे डांटती थी। अच्छा। मैं यहाँ जैसे देखती थी उसी तरह करते आए, लेकिन आज मुझे आत्मज्ञान हुआ बिना नैवेद्य का दिन का व्रत नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो उन्हीं के दया से बेटा से पोता तीसरा वंश भी आ गया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार के किसी भी सज्जन व्यक्ति को आँख में आंसू नहीं दीजिए, सब लोग दया सब पर दया और क्षमा बना के रखिए, इसी तरह हम व्रत करते रहे, इस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो सब कुछ तो चढ़ गया है, प्रसाद कब खाया जाएगा? प्रसाद अब तो भोग लग गया, अब आप लोग खा सकते हैं। खा सकते हैं तो जिया जल्दी से प्रसाद लगाया जाए, दिया जाए। नैवेद्य हम आज अपनी मेरी बहन जो है लखनऊ में, तो आभा तो अपना लगा ली, लखनऊ में जो मेरी बहन है वो नहीं जान रही थी। अच्छा। सुबह मुझे बोली कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, तो हमारे दिनकर को नैवेद्य में अपना तीनों बच्चे के लिए दे दूंगी। चलो ठीक है। तो वर्षा की उसकी माँ दे ही रही है, तो कहीं से भी भगवान को प्रणाम किया, तुम वहीं से व्रत कर लो, भगवान प्रार्थना करते हैं इसी तरह हम लोग का व्रत चलता रहे। यहाँ पे माँ बैठ करके अपना प्रसाद खा रही हैं, और कद्दू भात के दिन माँ जो है टेबल पे बैठ के खा रही थी, तो आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कम से कम आज के दिन तो नीचे बैठ के खा लीजिए। तो माँ को कमर में दर्द है जिसकी वजह से माँ नीचे नहीं बैठ पाती, और बैठती है तो उठ ही नहीं पाती है, लेकिन फिर भी आज बैठ गई। तो हमारे यहाँ पर प्रसाद आ गया है जी, और जिया उधर जा रही है पापा को प्रसाद देने के लिए, तो जल्दी सब इस प्रसाद को खाते हैं। खीर है, केला है, लड्डू है, बहुत ही मजा आने वाला है। 6.5 hours later। तो अभी बज रहे हैं जी 8:15, और इस समय जो है लगभग खाना हमारा बन ही चुका है, तो नीचे चलते हैं। आज खीर है, साथ में पूरी बन रहा है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। और क्रियान सब जो है नीचे है, तो हम जो है अपने यहाँ पर काम कर रहे थे, तो जिया जो है फोन करके बोली जो है नीचे आ जाइए, खाना बन चुका है, तो चलते हैं नीचे चल करके खाना खाते हैं। खाओ क्रियान, खाओ खाओ। नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। अभी कुछ नहीं, हम आ गए हैं वही बस लग रहा है। और यहाँ पर जो है पूरी चल रहा है। अच्छा, ट्रायंगल शेप में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी खाते हैं, गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, पहले डैडी खिला दो, नहीं तो डैडी दे दिए, बस यही।
ठीक है, उधर क्रियांश भी थोड़ा बहुत मुंह में ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा है, उसको आप खिला दीजिए बैठ के आराम से, देखते हैं खाएगा कि नहीं। The next day. जल्दी आओ। तो क्रियांश जो है सवेरे सवेरे उठ गया है और अपना बैट बॉल खेल रहा है, और सवेरे सवेरे उठते ही जो है अपना बैट ढूंढ रहा था, ये इसको बैट वहाँ पर जो है रखा हुआ मिला और वहाँ से बैट उठाया और खेलना स्टार्ट कर दिया। हाँ क्रियांश खेल रहा है, खेलो। क्या क्या करना है, ये स्क्रीन दिख नहीं आता है, क्या आखिर स्क्रीन में दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है, मारो मारो। वाह 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 क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो हो गया क्रिकेटर बन गया। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:15 और हमारा जो है नहाना हो गया, और आज से जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है सवेरे ही नहा लिया करें, क्योंकि ये दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि मैं सोचता हूँ कि बाद में दोपहर में नहा लूंगा, लेकिन दोपहर में नहाते नहाते जो है काफी समय हो जाता है, कई बार मैं शाम के 4 बजे तक नहाता हूँ, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि सवेरे ही नहा लिया करें। अभी बज रहे हैं जी शाम के 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, बहुत दिनों से जो है निकले नहीं है, और क्रियांश भी थोड़ा सा तबाही मचा रहा है, तो सोचे कि यह भी थोड़ा बाहर जाएगा, इसको भी अच्छा लगेगा। हाँ तुमको भी आना है ब्लॉग में, मिस्टर ड्रैगन, एकदम ड्रैगन लगता है यार, ये ड्रैगन वाला नहीं है कपड़ा, दूसरा है, नहीं, ये भी उसमें धारी धारी बना हुआ था, यहाँ पर पीछे हाँ इसमें भी बना हुआ है। ठीक है तो चलते हैं, पहन लिया क्रियांश, चलो बस अब हो गया, तुरंत निकलेगा तू, हाँ छोड़ेगा ही ना, देखो ना वहाँ तो हम लोग आ गए हैं जी बाहर, और बाहर आए तो सोचा कि आज जो है मोमोज खा लिया जाए, और यहाँ जो रेडी है मोमो का बहुत दिनों से बंद था, तो आज देखा हमने खुला है, तो सोचा कि नहीं अब खा लेना चाहिए। मम्मी भी पूछ रही थी, वो मोमोज बहुत दिनों से नहीं आया, तो बताया कि वो रेडी बंद है, और मुझे किसी का मोमोज अच्छा नहीं लगता। मम्मी का भी वही हाल है, यहाँ पर खाना खा के जब घर लौटेंगे मम्मी के लिए भी लेते चलेंगे, पापा के लिए भी। A few moments later. तो हम लोग आ गए हैं क्रियांश के लिए कुछ ड्रेस देखने के लिए, और नहीं बोलो पापा आपने ले लिया है। अच्छा तो एक ये येलो वाला जो है हमें अच्छा लग रहा है, नाइट सूट की तरह है, इसके लिए ज्यादातर डेली यूज वाला ही लेना है, क्योंकि जो है पुराना कपड़ा जो इसका सारा छोटा हो गया है, और अब जो है नया नया कपड़ा एक दिन में एक दिन में 3-4 तो इसका कपड़ा चेंज करना पड़ता है, तो इसीलिए ले रहे हैं। तो क्रियांश जो अपना एक हेलीकॉप्टर उठा लिया, और हेलीकॉप्टर को जो है छोड़ना नहीं चाह रहा। हाँ हाँ आप देखो कुछ और देख रहा है ये। तो मैंने क्रियांश के लिए लिए 2 नाइट सूट, हाँ, और ये एक डेली यूज के लिए घर में, तीनों जो है उसका 3 दिन में क्या हाल होगा वो मालूम चल जाएगा, एक ही दिन में 3 कपड़ा पहनता है। यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, क्रियांश ने ले लिया ये बैट बॉल, और इसको फिर एक बॉल चाहिए, इसको हटा रहे उधर से, फिर भी इसको वही चाहिए। अब हो गया, अब कितना लोगे, अब उसे मारेगा, देखो क्या बॉल लिया, इधर देखिए ना बॉल लिया, उसे मारेगा बैट से, तो इसका दोनों ले लेते हैं, चाहिए उसको, चाहिए गुस्सा आ रहा है, अब क्यों लिए, खोलो खोलो, वो भी दो, ये भी लो, चलो तुम ये लेके, उसको रखिएगा मारेगा, चलो चलो भैया चलो चलो ना, आप घर जाके खेलना, यही खेलेगा हर चीज। क्रियांश के लिए लिया गया है फुटबॉल, जिसमें हवा डाला जाएगा, और क्रियांश ये बैट बॉल अपना छोड़ ही नहीं रहा, वहाँ पे रखा हुआ था बैट बॉल, तो जिसको उसने उठा लिया और घूम रहा है, तो ये फुटबॉल, हवा डल गया, ये रहा बॉल, क्रियांश